आज इस वीडियो में हम आपको बता लें कि उत्तर प्रदेश आपदा राहत योजना क्या है और कौन लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं और कौन लोग इसका लाभ ले सकते हैं। तो बने रहें इस वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश आपदा राहत योजना क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश आपदा राहत योजना में वो ही लोग फ़ायदा ले सकते हैं, यानी कि वही इसका फ़ायदा उठा सकते हैं जिन लोगों का उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन निर्माण कर्म कल्याण बोर्ड की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है, यानी कि जिनका एक लेबर कार्ड बना हुआ है, तो वही लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं। क्योंकि ये योजना अभी जल्दी लॉन्च करी गई, जब हमारे देश में कोरोना आया था तभी उस समय इस आपदा के रूप में उत्तर प्रदेश आपदा राहत योजना के तौर से इसे लॉन्च किया गया। ये सुविधा पूर्ण रूप से पेपरलेस है, इसमें कोई किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, ना ही ये फॉर्म से ऑनलाइन कराई जाती है। ये डायरेक्ट उन्हीं लोगों को दी जाती है जिनका लेबर कार्ड बना है और वो भी एक्टिवेट है, यानी कि आप हमेशा उसे मतलब रिन्यूअल कराते रहते हैं और आपका चालू भी है, एक्टिव है, तो उन लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है। अगर आपने अभी तक लेबर कार्ड अपना नहीं बनाया और लेबर फैमिली से आप बिलोंग भी करते हैं तो ज़रूर आपको लेबर कार्ड अपना बनवा लेना है। अगर नहीं बनाना जानते हैं तो मैं लिंक आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख के आराम से अपना लेबर कार्ड बना सकते हैं। तो देखिए, मैं इस योजना के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, आपको इस योजना के बारे में अगर पूरी जानकारी चाहिए तो देखिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एक योजना का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको योजना की स्थिति या फिर समस्त योजना, तो आपको देखिए समस्त योजना वाले बटन पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर समस्त योजना की डिटेल यहाँ पर सामने आ जाएगी जो लेबर कार्ड पर मिलती हैं। देखिए, ये सारी सर्विसेज ऐसी हैं जब आप आवेदन करते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मगर ये योजना है, ये एक ऐसी योजना है जो पूर्ण रूप से पेपरलेस है, इस पर किसी तरह कोई आवेदन नहीं किया जाता है। फिर भी अगर बाई चांस मान लो अगर हमारे देश में किसी तरह कोई आपातकाल लगता है, जैसे मान लो कोरोना काल अभी कुछ समय पहले चलता था, तो उस सिचुएशन में सरकार ने आपको 1,000 रुपये की किस्त दी थी, जिसमें आपको वो छमाही भी हो सकती है, सालाना भी हो सकती है। देखिए, इस योजना की जानकारी लेने के लिए देखिए आपको यहाँ पर आपदा राहत योजना पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा अधिनियत पंजीकृत निर्माण श्रमिक को एक मुक्त 1,000 रुपये की धनराशि जो वार्षिक हो सकती है, अर्धवार्षिक हो सकती है और त्रैमासिक हो सकती है। अगर बाई चांस ज़्यादा ही स्थिति गंभीर होती है तो उस सिचुएशन में आपको 1,000 रुपये मंथली भी प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे कि आपका भरण पोषण हो सके, क्योंकि आपका काम छूट जाता है और आपके पास इतना पैसा नहीं होता, तो वो 1,000 रुपये आपको मासिक भी हो जाते हैं। अगर समय मतलब इतने गंभीर सिचुएशन नहीं होते तो आपको त्रैमासिक भी हो सकती है, यानी 3 महीने के अंदर भी दे सकती है, और उससे अगर कम है तो अर्धवार्षिक हो सकती है। अगर बाई चांस चल रही है तो उस सिचुएशन में आपको एक वार्षिक भी हो सकती है, यानी कि 1,000 रुपये आपको तीन सिचुएशन में मिलते हैं। तो आपको इस तरह से आप यहाँ पर अगर आपका लेबर कार्ड नहीं बना है और लेबर फैमिली से बिलोंग है तो ज़रूर अपना लेबर कार्ड बनवा लें, क्योंकि लेबर कार्ड पर बहुत सारी सर्विसेज हैं जो मिलती हैं। अगर ऐसी ही आपको वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे अगर कोई वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो देखिए, अगर इस योजना अगर आप ऑनलाइन होती तो मैं आपको ज़रूर ऑनलाइन करके बताता कि इसे कैसे ऑनलाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सर्विसेज है वो पूर्ण रूप से पेपरलेस है, यहाँ पे किसी तरह का कोई आवेदन नहीं किया जाता है और ना ही आपको किसी तरह कोई डॉक्यूमेंट जमा किए जाते हैं। यहाँ पर इसकी पात्रता भी दिखाया है कि अध्ययन रूप से पंजीकृत श्रमिक, यानी कि बहुत सारे श्रमिक इसके लिए पात्र होते हैं जो लेबर वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं और जिनका लेबर कार्ड एक्टिवेट है, तो उन सभी लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलता है। यहाँ पर देखिए, COVID-19 को दृष्टिगत रखते हुए इस योजना का निर्माण किया गया, यानी जो COVID-19 चला है उसको रखते हुए इस योजना का निर्माण किया गया, उससे पहले ये योजना नहीं थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूर्णतः पेपरलेस स्कीम है। देखिए यहाँ पर किसी तरह का कोई आवेदन वगैरह कुछ नहीं होता, यहाँ पर ये पूर्णतः पेपरलेस है। अगर बाई चांस कुछ इमरजेंसी लगती है, कोरोना जैसी या कुछ और भी होता है, तो उस सिचुएशन में आपको DBT के माध्यम से 1,000 की जो धनराशि दी जाती है वो आपको DBT के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इसके लिए कुछ नहीं, केवल आधार कार्ड और तब बैंक की डिटेल उपलब्ध होती है, वही उसी बेस से आपको आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर ऐसी ही जानकारी आपको चाहिए तो एक जरूर लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ।